मारुति एस्क्रॉस इंडिया में मारुति सुजुकी ब्रांड का मोस्ट अंडररेटेड कार। इसकी छोटी बहन मारुति ब्रेजा को बहुत सारा प्यार मिलता है इंडिया में, लेकिन इसको प्यार करने वाले बहुत ही कम लोग हैं इंडिया में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इंडिया की एस्क्रॉस को कंपेयर करूंगा सौतेला एस्क्रॉस से या बाहर वाली एस्क्रॉस से, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली एस्क्रॉस से। आज के इस वीडियो में मैं डायमेंशंस, इंजन ऑप्शंस, ट्रांसमिशन और प्राइस पॉइंट को कंपेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, घर वाली और बाहर वाली दोनों ही सेम है डायमेंशंस के मामले में, सिर्फ टायर साइज को छोड़कर। तो इस डायमेंशन से एक बात तो क्लियर हो गई कि एस्क्रॉस 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, जबकि ब्रेजा अंडर 4 मीटर गाड़ी है। इसीलिए केबिन पेस आपको एस्क्रॉस में ज्यादा मिलेगी, ना कि ब्रेजा में। लेकिन फिर भी लोग ब्रेजा को ही प्रेफर करते हैं एस्क्रॉस के मुकाबले। अगर आपको इसका रीजन मालूम हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो दोनों में ही बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आता है। जैसे कि इंडियन एस्क्रॉस में सिर्फ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क पैदा करता है और टू व्हील ड्राइव है ये गाड़ी। लेकिन इससे कई ज्यादा ऑप्शंस आपको बाहर वाली एस्क्रॉस में मिल जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस, दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन। पहला पेट्रोल ऑप्शन है 1 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट के सीरीज इंजन, जो 110 bhp का पावर और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है। दूसरा है 1.4 लीटर 4 सिलेंडर बूस्टर जेट के सीरीज इंजन, जो 138 bhp की पावर और 220 Nm का टॉर्क पैदा करता है। और तीसरा है 1.6 लीटर 4 सिलेंडर DDIS डीजल इंजन, जो 118 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसके अलावा बाहर वाली एस्क्रॉस टू व्हील ड्राइव और ऑल ग्रिप दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इंडियन एस्क्रॉस में 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन इंटरनेशनल एस्क्रॉस में मिलता है 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड TCSS, यानी कि ट्विन क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इंजन के साथ साथ ट्रांसमिशन विकल्पों में भी दोनों में ही बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। अब आखिर में बारी प्राइस की। इंडियन एस्क्रॉस का प्राइस शुरू होता है 8.39 लाख से और जाती है 12.39 लाख तक, और इंटरनेशनल एस्क्रॉस का प्राइस है 21 लाख से और जाता है 22 लाख तक। इंटरनेशनल एस्क्रॉस का प्राइस सिर्फ एस्टिमेटेड है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।